हेलो गाइस, आज हम अ कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 212 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर में एरिका नागी, हीरो और शियोन ने एक गेम खेला था जिसमें हारने वाले को बताना था कि वो किसे लाइक करता है। हीरो हारी थी और उसने नागी का नाम लिया था। तभी वहाँ टीचर आ गए थे और सब सोने का नाटक करने लगे थे, और क्योंकि वो बॉयज का रूम था तो लड़कियां वहाँ नहीं होनी चाहिए थी, इसीलिए हीरो नागी के ब्लैंकेट में छुप गई थी। अब वो नागी से कहती है, जब तक टीचर नहीं जाते चुप रहो। नागी सोचता है, इतनी सारी जगह होते हुए भी इसे मेरा बिस्तर ही मिला था। उसे बहुत शर्म आ रही थी और हीरो से हिलने से भी मना करती है। नागी सोचता है, ये हिलने से मना कर रही है तो मेरे बम को हाथ क्यों लगा रही है, और वो उसके बम को दबा भी रही थी। नागी आगे और पीछे दोनों तरफ से ही पिस रहा था। फिर टीचर के जाने के बाद हीरो कहती है, मैंने जो कहा था वो सच था। नागी याद करता है हीरो ने कहा था वो उसे लाइक करती है। तभी आवाज आती है, क्या मतलब? नागी ब्लैंकेट हटाता है, उसके साथ एरिका भी थी। वो हीरो से पूछती है, तुम्हारा क्या मतलब था? नागी कहता है, तो तुम मेरे बम को दबा रही थी। एरिका कहती है, तुम्हारे बम मेरे मुंह पे आ रहे थे, ठरकी कहीं के। और हीरो शियोन को सोता देखकर एरिका से अपने रूम में चलने को कहती है। उनके जाने के बाद नागी सोने की कोशिश करता है पर वो नहीं सो पाता। उसके दिमाग में हीरो की ही बात चल रही थी कि वो उसे लाइक करती है, ये जानकर उसे नींद कैसे आ सकती थी। दूसरी तरफ हीरो और एरिका बड़े आराम से अपने रूम में जा रहे थे। वहाँ कोई टीचर पहरा नहीं दे रहे थे और हीरो एरिका से नहाने चलने को कहती है। पहले उन्हें नागी ने टाइम लिमिट दी थी पर अब वो आराम से नहा सकते हैं और बाथ भी खाली होगा, तो दोनों नहाने चले जाते हैं। हीरो कहती है, हमने पहले भी इस बारे में बात करी है, मेरा भी फियांसे है। वो बताती है, जब वो और नागी डेट कर रहे थे तो उसे रियलाइज हुआ सब कुछ वेस्ट है और इसीलिए उसे ब्रेकअप करना पड़ा। वो कहती है, नागी हमारी क्लास का टॉपर है, वो मेहनती है, वो जो चाहे वो अचीव कर सकता है, उसका फ्यूचर गारंटेड ब्राइट होगा, और इसीलिए वो नहीं चाहती नागी अपना अच्छा खासा फ्यूचर तबाह करके उसके साथ श्राइन में रहने आ जाए। अगर आपको याद हो तो हीरो एक श्राइन के उत्तराधिकारी है, आगे चलकर उसे ही श्राइन संभालना है, तो उसके हस्बैंड को श्राइन में आकर ही रहना होगा जैसे उसके डैड श्राइन में आए थे। हीरो का मानना था उनका फ्यूचर कभी अच्छा नहीं हो सकता था, वो बस एक दूसरे से नाखुश रहते और यही कारण था कि उसने ब्रेकअप किया। एरिका कहती है, पर क्रिसमस के दिन ही क्यों किया? हीरो बताती है, क्रिसमस से एक वीक पहले वो अपने फियांसे से मिली थी। एरिका कहती है, सच में? क्या वो हॉट था? हीरो कहती है, वो सीरियस और अच्छा लड़का था और श्राइन चलाने के लिए टैलेंटेड भी था। जब मैं उससे मिली थी मेरा फ्यूचर मुझे रियल लगने लगा। मुझे लगता है ये सब टाइम का खेल था कि मैंने क्रिसमस चुना। एरिका कहती है, तो तुमने ये क्यों कहा कि तुम अभी भी नागी को लाइक करती हो? क्या तुमने झूठ कहा था? हीरो कहती है, अभी मैं जिसको सबसे ज्यादा लाइक करती हूँ वो नागी है, तो वो सच था। एरिका कहती है, तो फियांसे का क्या? हीरो कहती है, तुम समझती हो मैं कैसा फील करती हूँ, है ना? एरिका कहती है, हाँ शायद, पर तभी हीरो कहती है, जो भी हो मैं बस नागी को खुश देखना चाहती हूँ। अब रात को सोते टाइम एरिका तो सो जाती है पर हीरो को नींद नहीं आती क्योंकि वो नागी को याद कर रही थी। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।